नमस्कार प्रिय शिक्षार्थी, अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग दो प्रकरण कैलवेल्य बंदापाध्याय विधा पद शैली कविता लेखक रघुवीर सहाय जी। अपने अध्ययन के क्रम में आज हम कविता कैलवेल्य बंदापाध्याय के अंतिम अंश अंतिम भाग की व्याख्या करेंगे। आप मैं उसकी व्याख्या करकर बताऊंगा। सरल व्याख्या, प्रिय शिक्षार्थियों, कैमरे में बंद अपाहिज कविता एक ऐसी कविता है जिसमें दूरदर्शन के संचालक तथा दूरदर्शन कार्यक्रम के निर्माता अपने आप को बहुत ही अधिक शक्तिशाली सामर्थ्यवान बताते हैं, औरों को वह बहुत कमजोर समझते हैं। अपाहिजों को, विकलांगों को, दिव्यांगों को वे बहुत कमजोर समझते हैं। इतना ही नहीं, यह दूरदर्शन के संचालक विकलांगों को, अपाहिजों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर पूछते हैं कि क्या आप सचमुच अपाहिज हैं, और यदि अपाहिज हैं तो क्यों हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता एक व्यंग्यात्मक कविता है। दूरदर्शन के संचालक जिस तरीके से अपाहिज लोगों के समक्ष जाकर उनके दुख का, उनकी पीड़ा का बखान चाहते हैं, बहुत ही करुणामय करुण बखान उनके मुख से सुनना चाहते हैं, और उसके बाद उनकी विकलांगता पर प्रश्न करते हैं। ऐसे प्रश्न विकलांग अपाहिज लोगों को और भी कमजोर बना देता है। कविता की पंक्ति, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा समझेंगे, पीड़ा मानेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, कविता की इन पंक्तियों में रघुवीर सहाय जी सामाजिक विषमता का वर्णन कर स्पष्ट करना चाहते हैं कि लोग अपाहिजों के प्रति संवेदनशील नहीं है। दूरदर्शन वाले भी उनके दुखों के निवारण की अपेक्षा अपने कार्यक्रमों की सफलता पर अधिक चिंतित रहते हैं। वे उन विकलांग लोगों के प्रति ऐसी परिस्थिति उपजा देते हैं, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि वे विकलांग ना चाहते हुए भी अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को बखान करने के लिए, बताने के लिए, प्रकट करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उनकी इस विवशता की दशा को लोगों के समक्ष प्रदर्शित करके, पर्दे पर दिखाकर, टेलीविजन के स्क्रीन पर वे दिखाकर लोगों को, समाज को भी बहुत भावुक करना चाहते हैं। इसमें, इस दृश्य में अपाहिज लोगों की एक दर्द भरी कहानी होती है। उन तस्वीरों में उनके होठों पर एक व्यग्रता, एक घबराहट होती है जो हमें स्पष्ट रूप से उस समय दिखाई देती है। उन तस्वीरों के द्वारा समाज बहुत भावुक हो जाता है। वे ऐसा करते समय इस तरह का अनुभव कर रहे हैं कि समाज उनकी उपेक्षा कर रहा है। एक विकलांग जब इस तरह अपनी व्यथा को व्यक्त करता है तो उसकी मनोदशा जो होती है वह यह प्रकट करती है, यह स्पष्ट करती है कि समाज के द्वारा उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है। इस प्रकार रघुवीर सहाय जी को समाज से अपेक्षा है कि वह उन शारीरिक चुनौती ग्रहण करने वाले लोगों की विकलांगता, शारीरिक या मानसिक वेदना को मानने के लिए, स्वीकारने के लिए तैयार रहे।
कविता की अगली पंक्ति एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। प्रिय शिक्षार्थी, इन पंक्तियों में कवि रघुवीर सहाय जी अपाहिजों, विकलांगों की पीड़ा व जिन चुनौतियों को भी झेल रहे हैं, शारीरिक व मानसिक चुनौती, समाज के सामने उभारने का प्रयत्न करते हैं। इसके विपरीत शारीरिक विकलांग अपाहिज व्यक्ति अपनी पीड़ा स्वयं ही सहन करना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप वे दूरदर्शन वालों के कैमरे के सामने अपनी पीड़ा प्रकट नहीं करते। इस कारण वे अपने कार्यक्रम को नीरस होने से बचाने के लिए एक बार फिर उनकी पीड़ा को प्रकट करवाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से समझते हैं कि कार्यक्रम की सफलता की कसौटी दर्शक ही है। इस प्रकार वे दर्शकों के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि यदि अपाहिज विकलांग अपनी पीड़ा को कैमरे के समक्ष प्रकट कर पाए तो वे दोनों, दर्शक और अपाहिज विकलांग व्यक्ति, दोनों को ही रुलाने के लिए भावुक करने में प्रवृत्त हो जाएंगे, भावुक करने में उद्यत होंगे। प्रिय शिक्षार्थी, फिर भी यदि वे अपने इस कार्यक्रम में सफल नहीं हुए, ऐसा करने में सफल नहीं हुए, तो उन्हें समय का महत्व बताते हुए कहेंगे कि अब कैमरा उन विकलांग व्यक्तियों से दूसरी तरफ कर दिया जाए, क्योंकि अब बहुत हो चुका है, उन्होंने बहुत प्रयत्न करके देख लिया है, पर्दे पर समय का ही महत्व होता है। इसलिए यदि शारीरिक चुनौती स्वीकार करने वाले अपनी पीड़ा कैमरे के समक्ष नहीं बताते हैं तो इन्हें रहने दें। इसके बाद दूरदर्शन वाले स्वयं के मुस्कुराने के लिए कहते हैं, स्वयं मुस्कुराते हैं, प्रयत्न करते हैं। इस तरह प्रिय शिक्षार्थी, अंत में दूरदर्शन के कर्मचारी, कार्यक्रम निर्माता यह अनुभव करते हैं कि वे अपने इस कार्यक्रम को सफल नहीं बना पाएंगे तो वे अपने कार्यक्रम को दूसरी ओर मोड़ देते हैं। वे कार्यक्रम का समापन करते हुए कहते हैं कि आप पर्दे पर समाज से संबंधित कार्यक्रम देख रहे थे, किंतु उसमें थोड़ी सी कमी रह गई। साथ ही वे दर्शकों का धन्यवाद भी करते हैं कार्यक्रम देखने के लिए, समय देने के लिए। प्रिय शिक्षार्थी, प्रस्तुत कविता में रघुवीर सहाय जी ये बताना चाहते हैं कि शारीरिक चुनौती झेल के व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता की दृष्टि अपनानी चाहिए। हमें अपाहिज व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता का व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ ही रघुवीर सहाय जी करुणा जगाने की कोशिश करते हैं तथा संवेदनहीनता जो आज के समय में हमें समाज में देखने को मिलती है, विशेषकर दूरदर्शन कार्यक्रम में, उसे भी रेखांकित करते हैं। धन्यवाद।